हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कानून विभाग के महत्वपूर्ण ऑर्डर की। 8/6/2022 का ये ऑर्डर राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों से जुड़ा हुआ। तो कर्मचारियों के लिए कानून विभाग द्वारा कई समय समय पर ऑर्डर जारी किए जाते हैं और ये भी नए नियमों के तहत जारी किया गया है, जिसमें भारत के संविधान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को और संशोधित करके नए नियम तय किए गए हैं। तो राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को संशोधन करके नए नियम तय किए गए हैं। ये है बीपीएड को लेकर, जो शारीरिक शिक्षक होते हैं उनके लिए नियम तय किए गए नए, जिनका संक्षिप्त नाम प्रारंभ किया गया है राजस्थान शिक्षा राज्य व अधीनस्थ सेवा तीसरा संशोधन नियम 2022 है। और इसके साथ इसमें अनुसूची सेकेंड का संशोधन यह है कि राजस्थान शिक्षा व राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संलग्न सूची शीर्ष शारीरिक शिक्षा विंग के अधीन क्रमांक संख्या 2 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब क्या संशोधन किया गया है, वो बात क्लियर की गई है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास या उसके समतुल्य परीक्षा, साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र, यानी कि 12वीं के बाद सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हो, NCET जो भी होती है, NCTE या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र दिया जाता है, CPED जिसे बोलते हैं, CPED यानी कह सकते हैं सर्टिफिकेट इन कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन, CPED। और साथ ही यहाँ शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, जो शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा होता है जिसे कहते हैं DPED। तो CPED एक हो गया DPED शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, और यहाँ शारीरिक शिक्षा में स्नातक जिसे हम कहते हैं BPED। इन सबको अब मान्य किया गया है, पहले भी ये ऑर्डर जारी हो चुका है। ये कह सकते हैं जो शारीरिक शिक्षक की भर्ती आती है, शिक्षक के लिए जो पात्रता होती है उसके लिए ये संशोधन किया गया है। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल परीक्षा जो भी उत्तीर्ण है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई शारीरिक शिक्षा में किसी के प्रमाण पत्र है या डिप्लोमा है और स्नातक BPED है, यानी CPED DPED जो भी है वो मान्य होगी शारीरिक शिक्षक पद के लिए। इसी की अधिसूचना इंग्लिश में भी जारी हो रखी है। ये इंग्लिश में भी ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल द्वारा, जिसमें कहा गया है सीनियर सेकेंडरी फॉर्म रिकॉग्नाइज बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन CPED और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन DPED एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED रिकॉग्नाइज बाई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। यानी ये जिनके भी उत्तीर्ण किया हुआ है वो मान्य होगा शारीरिक शिक्षक के रूप में। धन्यवाद।